हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रवि फ्रॉम संकल क्लासेस इंस्टीट्यूट झांसी। और मैं आपको यहां पे हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहा था। पिछली क्लास में हमने जो है आपको पैलियोलिथिक के बारे में बताया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया था कि प्री हिस्टोरिक को हमने तीन भागों में बताया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके पैलियोलिथिक के पार्ट्स की। पैलियोलिथिक को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। आपका लोअर पैलियोलिथिक की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक मतलब होता है निम्न पाषाण काल, और निम्न पाषाण काल का कार्यकाल हमने बताया था 10 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व। दूसरा इसका जो कार्यकाल है वो है आपका, इसको बोलते हैं आप मिडिल पैलियोलिथिक। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? मिडिल पैलियोलिथिक। हिंदी में इसको बोल सकते हैं आप मध्य पाषाण काल। सिंपल आप ये जब सीक्वेंस अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। क्या है? मिडिल पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसका कार्यकाल है 50,000 से लेकर 50,000 BC टू 40,000। इसका कार्यकाल कितना है? 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है। और तीसरा है आपका अपर पैलियोलिथिक। तीसरा कौन सा भाग है इसका? अपर पैलियोलिथिक। इसको बोलते हैं उच्च पाषाण काल। क्या बोलते हैं? वो निम्न था, ये मध्य हुआ, ये उच्च होगा। अपर पैलियोलिथिक मतलब उच्च पाषाण काल। इसका कालकाल है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। 40,000 से लेकर 10,000 BC। ठीक है। तो ये हमने कितने किसके भाग पढ़े हैं? सभी पैलियोलिथिक के। क्लियर। प्री हिस्टोरिक को एक पाषाण काल के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसके तीन भाग थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। अब यहाँ पे हमने पैलियोलिथिक के और क्लासिफाइड कर दिया। पैलियोलिथिक के कितने भाग हैं? तीन हैं। लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पाषाण काल, इसका कार्यकाल 10 लाख से 50,000 है। मध्य पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व है। उच्च पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक है। तो ये हमने आपको ये इसी तरह से, जिस तरह से हमने आपको फिगर बताया है, इसी के लिए ये पैलियोलिथिक के पार्ट्स आपने यही लिख दिए होंगे ना नीचे, ठीक है ना। यही डायग्राम आपको हमेशा बना के रखना है। इस डायग्राम को जब बार बार देखोगे ना, तो आपको एक पूरा सीक्वेंस याद आ जाएगा। जब कोई आपसे इतिहास की चर्चा करेगा तो आप उसको विधिवत तरीके से डिटेल्स में बता सकते हैं। ठीक है भाई। अब हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे एक चीज। अब यहाँ पे है करिए स्टोन एज। स्टोन एज है क्या? ये तो हमने एक डायग्राम में बनाया पहले। अब बात करते हैं पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल का ही तो क्लास पोस्टमार्टम करना है हमें। पोस्टमार्टम मतलब इसी को तो पढ़ना है हमें। ठीक है भाई। तो है पाषाण काल, इंग्लिश बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, पाषाण काल। इनके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इनके इसी के भाग है इससे, क्योंकि तो मध्य वाला है और नया मतलब न्यू, इनमें कोई नया मतलब आज के दौर के समय भी बताएंगे आप चलेंगे। मध्य वाला जो बीच का, इनमें कोई इतना ज़्यादा समझ नहीं। इसमें तो समय घटता गया ना, देखो 10,000 से 7,000 है। किसका स्टोरेज का भी काल नहीं, स्टोरेज को इतने काल में डिवाइड किया गया। बाकी अगर इसको क्लासीफाई करोगे प्री स्टोरेज से अनुमान लगा सकते हो, प्री स्टोरेज से ही अनुमान लगा सकते। ठीक है। क्योंकि स्टोन की आयु पे तो हमने गणना करी ना, कि स्टोरेज पर एशिया की तो गणना करी कि मतलब इसके पत्थर जो है 10 लाख से क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 10 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक के माने गए। ठीक है। तो स्टोरेज की गणना हमने तीन भागों में कर दी। ठीक है। स्टोरेज की पर्टिकुलर पहले लिखिए भी समझ में आएगा। हरी हरी स्टोन एज जिसे हम बोलते हैं पाषाण काल, इसमें लिखिए भारतीय पाषाण युग को, भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा, भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों, भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप, पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर
भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तीन अवस्थाओं में या तीन भागों में पाषाण काल को विभाजित किया गया है। ठीक है। इट मीन दैट व्हाट द बाय द यूजिंग ऑफ टूल्स ऑफ दिस इरा बाय द मैन दिस स्टोन एज हैज बीन क्लासिफाइड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लियर। सो इट इज कॉल्ड स्टोन एज एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। आई बस ना, मतलब ये समझिए इसको हमने स्टोन एज क्यों कहा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव था, मानव के द्वारा जो प्रयोग किए गए जो औजार थे, जो पत्थर थे, आपने देखो समय के अनुसार, आप देखो टेम्परेचर जब आता है ना, भीषण गर्मी पड़ती है या मौसम में परिवर्तन होता है ना, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंजिंग, या आपने देखा बहुत सारे आजकल कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ है कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। आपने कई जगह देखो कभी कभी लावा, साइक्लोन, लावा है ना, बहुत सारे अर्थक्वेक, ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएँ जो बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को डैमेज कर देती हैं। जहाँ से आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखिएगा हिमालय जो है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, हिमालय कौन सा पर्वत है, कैसा पर्वत है हिमालय कैसे, आज हमारे उत्तर में जो हिमालय, ये हिमालय पहले वहाँ था नहीं। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के माध्यम से जो पत्थरों की जो शुरुआत हुई है, पत्थरों की भी बहुत सारे मतलब एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब किसकी वजह से, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ही आधार पर हर चीज़ का क्षेत्र परिवर्तन देखने को मिल जाता है, जो पत्थर हो चाहे मानव हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक, क्लियर। तो आप देखो जो हमारे उत्तर में आज हिमालय, पहले हिमालय था नहीं, यहाँ पे सागर था, टेथिस सागर। अब जो प्रमुख कौन सागर था उत्तर में, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर जब प्लेट टेक्टोनिक्स जिसको बोलते भूकंप के यानी घटनाओं के बोलते प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटों का आपस में टकराना, उसी से भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पूरा लावा नीचे आ गया तो एक चट्टान बन गई, उसी को अपने हिमालय बोल दिया। तो हिमालय कैसा पर्वत है, नया पर्वत है, ओल्ड माउंटेन नहीं है, इट इज़ अ यंग एंड न्यू माउंटेन। ठीक है भाई, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बताएंगे जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो इतना समझा गया। तो हमने क्या बताया कि जो आपकी स्टोनेज है, स्टोनेज में जो साक्ष्य हमें मिले, इसको भी तीन भागों में डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, कि मानव द्वारा जो औजार प्रयोग किए गए वो औजारों में परिवर्तन कैसे हुआ, क्लाइमेट चेंजिंग के द्वारा, इसी आधार पर हमने पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भाग हैं, लोअर पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं निम्न पाषाण काल, कार्यकाल 10,00,000 से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और तीसरा अपर पैलियोलिथिक जिसका कार्यकाल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये तो आपने सभी ने लिख लिया होगा। क्लियर। आप पॉइंट्स बाय पॉइंट लिखते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, जीएस में कभी पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको। कितने लोग ऐसे जीएस का लिखने का तरीका होता है पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि जीएस में हर एक सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप दूसरा पॉइंट बाय इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि जीएस तभी लग होगी जब आप पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड राइट डाउन द फैक्चुअल पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, डोंट डू कम ऑन द पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लिखिए। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के या बस्तियों की शुरुआत, अब देखो कब से बात कर रहे हैं, मतलब बस्ती समझते हो, जैसे बस्तियां होती हैं, रहने वाले लोग होते हैं, कहते हैं बस्ती है, नई बस्ती बस गई, ये पुरानी, अभी झांसी में एक नई बस्ती है, सदा आपने देखा होगा, बस्ती मतलब नया क्षेत्र, मतलब उसको क्षेत्र लेकर ये इतिहास में बात बताएगी कि भारत में बस्तियों की शुरुआत कब से हुई। देखिए, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की शुरुआत 1863 भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की शुरुआत 1863 ईस्वी में
1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी, से संबंध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी, से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।